हेलो दोस्तों। तो यहाँ पे यार आज हम एक नई एनिमे शुरू करने वाले हैं जो कि है जुजुत्सु काइसेन। और यार इसके लिए मेरे को इतने सजेशन आए कि मेरी रातों की नींद उड़ गई, चैन उड़ गया मेरा। और आज फाइनली यार मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ क्योंकि यार मैंने क्यू एन ए वीडियो में कहा था कि मैं ट्यूजडे से पहले पहले ये वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो यार ट्यूजडे हो चुका है, आई एम सॉरी यार, मतलब अब देख लो, प्लीज देख लो। तो यार हमें एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे एक हाई स्कूल स्टूडेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि बेहोशी की हालत से उठता है और वो यार एक कुर्सी से बंधा हुआ होता है। उसके सामने यहाँ पे एक लड़का है और उसने अपनी आंखों पे पट्टी टाइप बांध रखी होती है और ये पूरा का पूरा कमरा टैलिस्मैन से भरा होता है। उस आदमी का नाम होता है सातोरू गोजो और स्टूडेंट का नाम होता है भाई यूजी इटारोरी। वो स्टूडेंट से पूछता है कि तो तुम कौन हो, अभी बताओ मुझे। यूजी को याद आता है कि वो किसी फुशीगुरो नाम के बंदे से मिला था और साथ ही साथ उसके सेनपाई भी गायब है। वो उनके बारे में पूछने लग जाता है तो गोजो यूजी को बोलता है कि मेरे ख्याल से अभी तुम्हें उनके बारे में नहीं अपने बारे में सोचना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। यहाँ पे हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है और जी सुगिसावा हॉस्पिटल में कॉल करता है अपने ग्रैंडफादर के बारे में पूछने के लिए, लेकिन उसके ग्रैंडफादर यही कहते हैं कि यूजी को अपने क्लब में जाना चाहिए और यहाँ पे मेरे ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पे उससे भी पिछली रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एक स्टूडेंट होता है जो कि जुजुत्सु टेक से होता है, उसका नाम होता है मेगुमी फुशीगुरो। वो यहाँ पे सुगिसावा हाई स्कूल में आता है और वो दरअसल यहाँ पे एक शार्पित चीज ढूंढ रहा होता है। जो जगह उसको बताई गई होती है जब वो वहाँ पे पहुंचता है उसे वो चीज वहाँ पे मिलती नहीं है, तो वो सातोरू गोजो को फोन मिलाता है और बताता है कि वो चीज यहाँ पे नहीं है। फुशीगुरो को यही कहा जाता है कि जब तक तुम्हें वो चीज नहीं मिल जाती तो तुम वापस मत आना, ठीक है ना। दूसरी ओर हमें यहाँ पे यूजी के क्लब का सीन दिखाया जाता है और इधर इगुची और सासाकी बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आता है और वो कहता है कि अब तुम्हारे ये जो ऑकर्ड क्लब है ना ये बंद कर दिया जाएगा क्योंकि तुम कुछ काम धंधा तो करते नहीं हो। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम काम धंधा कर रहे हैं और हमने एक रिसर्च भी की है। आपने कभी सोचा है कि जो हमारे स्कूल की रग्बी फील्ड है वहाँ पे खेलने वाले इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बीमार क्यों हो जाते हैं? उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि वहाँ पे भूतों का साया है और उसकी वजह से ही वो लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो प्रेसिडेंट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये जो तुम बकवास कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि उनकी तबीयत खराब टिक्स की वजह से हुई थी, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। इसके अलावा यूजी पहले से ही ट्रैक एंड फील्ड टीम के क्लब में जा चुका है, ना कि ऑकल्ट क्लब में। तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि एक ग्रुप में भाई तीन मेंबर्स होने चाहिए और अब यूजी तुम्हारी टीम में नहीं है तो तुम दो ही बचे, इस वजह से अब तुम्हारा क्लब बंद कर दिया जाएगा, तो इस कमरे को खाली करके निकल लो। तभी यहाँ पे भाई टीम का कोच आ जाता है और वो बताता है कि भाई उसी ने यहाँ पे यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में ओगर क्लब का नाम काट के ट्रैक एंड फील्ड टीम का नाम लिख दिया था जिससे कि वो ट्रैक एंड फील्ड टीम को ज्वाइन कर ले। और वो कहता है यूजी प्लीज मेरे साथ चलो और हम नेशनल्स में कमाल करके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे भाई यूजी का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता, तो ये लोग यही डिसाइड करते हैं कि ये एक कॉम्पिटिशन करेंगे, जो जीतेगा उसकी ही बात मानी जाएगी। यहाँ पे जुजुत्सु टेक का वो स्टूडेंट भी भेस बदल के घूम रहा होता है उस शापित चीज को ढूंढने के लिए। तभी वो देखता है भाई इधर यूजी होता है और ये यहाँ पे शॉट पुटिंग कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं और यूजी आसानी से भाई शॉट पुट को बेसबॉल की तरह भाई बहुत दूर फेंक देता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ देता है, जिससे उसको ये फैसला करने का हक मिल जाता है कि वो ऑकर्ट क्लब में रह सकता है क्योंकि भाई यहाँ पे उसको कोई काम नहीं करना पड़ता और वो 5 बजे तक आराम से फ्री होकर घर चला जाता है, मजे उड़ाता है। तो यार ये भी ठीक ही है। सासाकी और इगुची यूजी को कहते हैं कि देखो अगर तुम हमारे क्लब में रहना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं क्योंकि तुम स्पोर्ट्स में यार काफी अच्छे हो तो वहीं पे रह सकते हो। तो यार यूजी को नहीं जाना होता स्पोर्ट्स में, उसे यहीं पे रहना होता है जिससे कि वो मजे उड़ा सके। मेगुमी जब यूजी की परफॉर्मेंस को देखता है तो वो काफी इंप्रेस हो जाता है। वो कहता है यार मतलब इसने किसी भी पावर के इस्तेमाल के बिना ही इतना कमाल का शॉट लगाया, मेरे ख्याल से ये तो जुजुत्सु टेक के अपर क्लासमैन माकी जेनिन की तरह हो सकता है। जब यूजी इधर मेगुमी के सामने से जाता है तो मेगुमी को यहाँ पे एक एहसास होता है कि यूजी के पास ही वो शापित चीज है, लेकिन इससे पहले कि मेगुमी उसको रोक सके भाई यूजी तो यहाँ से भागता हुआ निकल जाता है। वो जल्दी से भागता हुआ हॉस्पिटल में जाता है अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। यहाँ पे यूजी के ग्रैंडफादर यही कहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अपने क्लब पे ध्यान दो, तुम्हें मेरे पास आके अपने टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो यूजी को उसके पेरेंट्स के बारे में बताने लगता है लेकिन भाई यूजी का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता। जब ये लोग बहस कर रहे होते हैं तो यूजी का ग्रैंडफादर यूजी को यही कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो लेकिन तुम्हें इस ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए। अब मुझे देखो यहाँ पे मैं अकेला मरूंगा, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जब तुम मरो तो तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हो। जिसके बाद भाई यूजी के ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। यूजी इधर मौन करता है और अपने सामान वगैरह पैक कर लेता है, वो लॉबी में पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए जाता है। तभी यहाँ पे साइड से भाई मेगुमी आ जाता है यूजी को ढूंढते ढूंढते और वो अपना नाम वगैरह बताता है। यूजी कहता है कि भाई मैं मौन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है। तो मेगुमी कहता है देखो बस मेरे को वो शापित चीज चाहिए, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है जो कि तुम लोगों के पास है। और फाइनली यहाँ पे मेगुमी इन श्रापों का सच बताता है। ये श्राप
बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करके इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। वो शापित चीज जो कि यूजी को मिली थी वो भी कुछ इसी प्रकार है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि जिस टैलिस्मैन से उस चीज को सील किया गया था वो अब कमजोर होती जा रही है और वो श्राप कभी भी आजाद हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बॉक्स तुम मुझे दे दो। तो यहाँ पे यूजी वो बॉक्स मेगुमी को दे देता है और मेगुमी देखता है कि भाई ये बॉक्स यहाँ पे खाली होता है। तो यूजी यही बताता है कि इसके अंदर वाली चीज बाकी ऑकट मेंबर्स के पास है, क्योंकि आज उन्होंने प्लान किया था कि वो रात में स्कूल में इसको खोलने वाले हैं। तो ये सुनकर भाई मेगुमी शॉक हो जाता है और वो यूजी को कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे दोस्त कितने बड़े खतरे में है। तो यूजी कहता है ये बुरा है क्या? तो मेगुमी कहता है हाँ, बुरे से भी बुरा है, तुम्हारे दोस्त मारे जाएंगे। दूसरी ओर हमें यहाँ पे सुगिसावा हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई रात में सासुके और इगुची एक रूम में उस सील को ओपन करने के लिए तैयार होते हैं और इन्होंने लाइट वाइट बंद कर रखी होती है, ये कह के कि इस चीज से इनको अच्छा खासा एटमॉस्फेयर मिलेगा। जब ये उस सील को ओपन कर लेते हैं तो उसके अंदर से एक उंगली निकलती है और तभी वो जो कैंडल इनकी टेबल पर रखी हुई थी वो भुज जाती है और ऊपर से वो मॉन्स्टर्स आने शुरू हो जाते हैं और इनको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होता। जब यहाँ पे यूजी और मेगुमी स्कूल में आते हैं तो यूजी को महसूस होता है कि यहाँ पे एक काफी अजीब सा प्रेशर फील हो रहा है। मेगुमी यूजी को पीछे ही रोक देता है, लेकिन यूजी यही कहता है कि मैं भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए मदद करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी भाई मेगुमी यूजी को यही कहता है कि तुम्हें वहां पे नहीं जाना चाहिए और वो आगे चला जाता है। यहाँ पे सासुके छुपी हुई होती है और वो देखती है कि मॉन्स्टर इधर घूम रहा होता है फोर्थ फ्लोर के हॉल्स में, तभी पीछे से इगुची आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि भाई उसके सर पे भी एक मॉन्स्टर सवार होता है। इससे बड़ा वाला मॉन्स्टर भी पीछे से आके सासुके के ऊपर अटैक कर देता है। मेगुमी तभी बिल्डिंग के अंदर आता है और उसके सामने भी यहाँ पे और मॉन्स्टर्स आते हैं और वो आसानी से अपने जुजुत्सु को इस्तेमाल करके उनको हरा देता है। इधर मेगुमी अपने डिवाइन डॉग्स को समन करता है और कहता है कि चलो फिर अब तुम दुश्मनों को खा सकते हो। यहाँ पे यूजी बाहर खड़ा होता है और वो ये सोचता है कि यार मतलब वो इतना हिचकिचा क्यों रहा है। उसे ये महसूस होता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि जब उसके ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी तब उसको कोई डर नहीं लग रहा था बल्कि उसे काफी बुरा लग रहा था। तो इस मौत में और मेरे ग्रैंडफादर की मौत में क्या डिफरेंस है? तभी उसको अपने ग्रैंडफादर की बात याद आती है कि उन्होंने कहा होता है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए करना, फिर से तुम एक ही इंसान को बचा सको लेकिन बचाना। यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर भाई ये मॉन्स्टर्स बढ़ते जाते हैं और मेगुमी और उसके डिवाइन डॉग्स सारे के सारे मॉन्स्टर्स को हरा रहे होते हैं उन स्टूडेंट्स को बचाने के लिए। जब ये कोने के पास आते हैं तो ये देखते हैं कि भाई बचे हुए सारे के सारे मॉन्स्टर भाई एकजुट हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाते हैं जिससे कि वो दोनों स्टूडेंट्स को निगल सके, साथ ही साथ उस शापित चीज को भी जो कि होती है वो उंगली। मेगुमी को पता होता है कि यार वो उनको बचा नहीं सकता तभी, लेकिन भाई यूजी इतना ऊंचा कूदता है और वो फोर्थ फ्लोर की विंडो से कूद के अंदर आ जाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। वो कहता है कि मैं जानता हूं मेरे ग्रैंडफादर शांति से मरे थे लेकिन इस तरीके की मौत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये तो बहुत गलत रहेगा। यहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स को बचा लेता है, जिसके बाद मेगुमी के डॉग उस मॉन्स्टर को खाने लग जाते हैं और हरा देते हैं। यहाँ पे मेगुमी यूजी की काफी तारीफ करता है और कहता है कि मेरे ख्याल से तो तुम्हें डर लगना चाहिए था लेकिन चलो अच्छा है, तुमने काफी अच्छा काम किया। यहाँ पे यूजी पूछता है कि ये डॉग्स कैसे हैं, तो मेगुमी कहता है वाह तुम इनको देख सकते हो, ऐसा अक्सर तभी होता है जब कोई इंसान मरने वाला होता है या फिर किसी ऐसे सिचुएशन में ही होता है ये सब, ये है मेरे शिकिगामी। यूजी बताता है कि हाँ मैं डरा हुआ था लेकिन मैं अपने दोस्तों को भी बचाना चाहता था, इस वजह से मेरे अंदर काफी ताकत आई। यहाँ पे मेगुमी भाई यूजी को बताता है कि ये मॉन्स्टर उस उंगली को खाना चाहता था जिससे कि उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाए। ऐसी शापित चीजों को तभी खाया जाता है जब किसी मॉन्स्टर को अपनी ताकत बढ़ानी होती है। यहाँ पे जब मेगुमी यूजी से वो रियोमैन सुकुना की फिंगर मांगने वाला होता है तभी ऊपर से भाई एक और मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन उससे पहले भाई मेगुमी इधर यूजी को पीछे ढकेल देता है और कहते हैं यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पे मेगुमी अपना एक और शिकिगामी न्यू को बुलाने वाला होता है लेकिन तभी भाई वो मॉन्स्टर मेगुमी के ऊपर हमला करके उसे रोक देता है और उसे इधर उधर दीवारों में मारने लग जाता है। ज्यादा चोट लगने की वजह से भाई मेगुमी के डॉग्स भी गायब होने लग जाते हैं और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर मेगुमी को मारे तभी भाई यूजी भी आ जाता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है, क्योंकि उसके पास अपने आप में काफी अलग स्किल्स होते हैं। लेकिन मेगुमी को ये पता होता है कि यूजी बिना किसी शापित एनर्जी के उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता। जब यहाँ पे यूजी हारने लग जाता है तो भाई उसके हाथ से वो उंगली छूट जाती है और वो उस मॉन्स्टर के मुंह में गिरने वाली होती है, लेकिन भाई यूजी जल्दी से उस उंगली को अपने मुंह से पकड़ लेता है और उसको मेगुमी की बात याद आती है कि भाई ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट खाने से कोई भी जीव ताकतवर बन सकता है। तो वो यही सोच के भाई उस उंगली को निगल जाता है जिससे कि वो सबको बचा सके, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता। मेगुमी यही कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि इसको खाने के बाद ये जिंदा बच जाए, इसने ये बहुत गलत किया, लेकिन लाखों में एक चांस है कि इसको ताकत मिल सकती है। तो यहाँ पे फाइनली भाई रियोमैन सुकुना की ताकत यूजी के अंदर आ जाती है और वो आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा देता है। तो मेगुमी इधर ये देख के समझ जाता है कि ये तो भाई और भी ज्यादा बुरा हो गया, रियोमैन सुकुना आखिरकार फिर से इस दुनिया में वापस आ चुका है और वो फिर से पूरी इंसानियत को खत्म करना चाहेगा। इधर सुकुना कहता है कि क्या बात है, ये दौर तो सच में कम
कमाल है। यहाँ पे लोगों को मारने का अलग ही मजा आएगा। लेकिन तभी यूजी अपनी बॉडी पे फिर से कंट्रोल कर लेता है और वो कहता है, तुम क्या कर रहे हो मेरी बॉडी में, निकलो मेरी बॉडी से बाहर। और वो सुकूनों को सप्रेस करने लग जाता है। लेकिन तभी मेगुमी अपने शिकिगामी को बुलाने लग जाता है और वो कहता है कि यूजी अब तुम कोई इंसान नहीं रहे, तुम एक मॉन्स्टर बन चुके हो और अब मुझे तुम्हें हराना होगा। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार मेरे को नीचे बताना कमेंट सेक्शन में, और आप अगर कुछ चेंजेस चाहते हो तो वो भी बता सकते हो आप मेरे को, है ना। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी फर्स्ट एपिसोड हुआ है यार, मेरे को पता है यार मोस्टली लोगों को चाहिए ही थी एनिमे, बट फिर भी अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है और आप चाहते हैं आगे के एपिसोड्स लाऊं तो कमेंट सेक्शन में बताना, और इस वीडियो को लाइक करना यार। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।